फिटनेस वर्ल्ड के ना दो खेमे हैं। कुछ ट्रेनर्स आपको ये बोलेंगे शुगर खाओ, लेकिन कम खाओ, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो। कुछ ट्रेनर्स आपको बोलेंगे शुगर इज़ नॉट गुड फॉर यू, शुगर मत खाइए, इससे बेटर आप स्वीटनेस यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों क्या है सही? देखो दोनों अपने अपने तरीके से सही हैं। मैंने दोनों लाइफस्टाइल जी है, मैंने लो कार्ब शुगर वाली लाइफस्टाइल भी जी है और मैंने बिल्कुल मतलब शुगर फ्री लाइफस्टाइल भी जी है। तो जो मुझे बेटर लगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप लोगों को लगता है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो वो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं। तो मेरे को जो लगता है कि ये जो लाइफस्टाइल है ज़्यादा अच्छी है, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे कि हमने स्वीटनेस को मना नहीं किया है। हम लोग यहाँ पे आर्टिफिशियल स्वीटनेस या नेचुरल स्वीटनेस में ज़्यादा तवज्जो देते हैं। ज़ेराटॉल, एथेटॉल, स्टीविया, मॉन्क फ्रूट, इस तरह के कुछ नेचुरल स्वीटनेस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि एक सस्ती शुगर पे। यहाँ पे है कि भाई आपको बीमारी गारंटीड है, कि फ्यूचर में आपको कोई ना कोई बीमारी लग सकती है। यहाँ पे अगर आप ये लाइफस्टाइल जाएंगे तो ये तो गारंटी है कि आपको कोई बीमारी लगी नहीं, अंटे हैं अल्लाह सा प्रोसेस का खा रहे हो और नेचुरल स्वीटनेस के साथ। यहां पे आपको नेचुरल स्वीटनेस खाने हैं, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल खाना है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जितना भूख लगे उतना, पहली बात तो आप ज्यादा खा ही नहीं पाओगे। यहां पे आपको गलती आपकी नहीं है, यहां पे गलती है शुगर, जो आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करता है और आपको वो फोर्स करता है कि भाई तू ज्यादा खा। यही रीजन है आधे ज्यादा बंदे मोटे हैं, प्रोसेस कार्ब्स खा के। अभी मुझे एक बात बता दो, कोई बंदा जो कीटो कर रहा होगा, कीटो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा होगा जिसमें जीरो शुगर होता है, क्या वो बंदा मोटा है? मुझे लगता नहीं वो बंदा मोटा, या तो वो अपनी डाइट से चीट कर रहा होगा। मैं पिछले 2 साल से कीटो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा हूँ, मेरा ब्लड वर्क एंड एवरीथिंग, आई गेट इट डन ऑन टाइम, मेरा परफेक्ट रहता है। तो मेरा तो आप लोग से यही है कि भाई अगर आप कीटो लाइफस्टाइल और जीरो शुगर लाइफस्टाइल पे अगर फोकस कर रहे हो तो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे आप पूरी नॉलेज ले लोगे, आपको लगेगा कि यार आपको कार्ब्स क्यों खा रहे थे इतने सालों से, आप इससे अच्छा प्रोसेस कार्ब्स छोड़ के नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स ज्यादा फोकस करते तो शायद आप लोग को बीमारी लगती ही नहीं। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों, अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट करना, लीन बीस को मोर फिटनेस वीडियोस के लिए प्यार देते रहो। चेज़ एवरीवन।